नमस्कार, मैं उषा भार्गव, स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूपी को पहचान दिलाने के लिए कल एक नए दिन की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें सांस्कृतिक धरोहरों को दिखाने से लेकर निवेश जुटाने के लिए सरकार का प्रयास रंग लाएगा। इस खास कार्यक्रम में विदेशी मेहमानों के साथ देशी पहचान का खूब रंग जमेगा। निवेश के लिए अब तक का सबसे बड़ा मेगा शो, शहर में शुरू हो रहे निवेश के अब तक के सबसे बड़े मेगा शो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में यूपी में अर्थ की संभावनाओं के साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का भी शोकेस किया जाएगा। निवेश प्रस्तावों के जरिए यूपी के हर क्षेत्र को विकास से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं शहर की साजो सज्जा के लिए वट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक की रूपरेखा कुछ इस तरह से खींची गई है, जिसमें यूपी की सांस्कृतिक पहचान प्रमुखता से दिखेगी। बता दें, 3 दिवसीय आयोजन के पहले दिन की शाम ड्रोन शो के नाम होगी। इसके जरिए आकाश में श्रीराम की आकृति, अयोध्या के निर्माणाधीन श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर समेत अन्य प्रमुख स्थलों को उकेरा जाएगा। इसके साथ ही आयोजन स्थल पर बने 7 पंडालों के नाम सप्त ऋषियों के नाम पर रखे जाएंगे। जानकारी के मुताबिक जीआईएस में 5,000 से ज्यादा देशी विदेशी निवेशक आएंगे और करीब 22 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन होने का दावा है। वहीं कार्यक्रम होने के बाद शायद ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। प्रदेश के विकास में रफ्तार लाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 10 फरवरी से और 12 फरवरी के बीच चलेगा। इस आयोजन से माना जा रहा है कि प्रदेश के विकास में रफ्तार आएगा, साथ ही 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था छुएगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, वहीं अगर बात करें तो कार्यक्रम का समापन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। वहीं इस कार्यक्रम में लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य इसमें शिरकत करेंगे। साफ तौर से इस आयोजन से है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो लगभग 20 देशों से राष्ट्राध्यक्ष एवं तमाम जो निवेशक हैं वो आएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर में, उन्हें यूपी मॉडल को दिखाया जाएगा और कहीं ना कहीं वो अपने निवेश की इच्छा को लेकर आएंगे और यहाँ निवेश करेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो इस आयोजन से माना जा रहा है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ प्रदेश के अंदर में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान होंगे। वहीं अगर बात की जाए तो इस आयोजन को लेकर राजधानी लखनऊ को पूरे दुल्हन के माफिक सजाया गया है। बात करें तो राजधानी लखनऊ के प्रदेश चौराहों पर जो प्रमुख चौराहे हैं, वहाँ उन चौराहों को पूरे सुसज्जित ढंग से झालर, लाइट, फूल, पत्तियों से सजाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो पूरे कार्यक्रम वृंदावन सोसाइटी स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होगा। इसके लिए अस्थायी रूप से टेंट भी तैयार किया गया है। वहीं अगर बात करें तो जो तमाम निवेशक आ रहे हैं उनके बीच जो तमाम ऐसे उपकरण बनाए गए हैं, साथ ही टेंट में अगर बात करें तो विशेष सुविधाएँ भी उनको दी जाएंगी। रेस्टोरेंट से लेकर विभिन्न सुविधाएँ उस टेंट में होगी। साथ ही अगर बात करें तो टेंट सिटी जैसे बनारस के अंदर में चल रही है, ठीक वैसे ही इसमें अस्थायी रूप से टेंट सिटी देखने को मिलेगा। और वहीं अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ को 10 से 12 फरवरी के बीच हैवी गाड़ियों को उन रूट से जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, साथ ही ऑटो रिक्शा जैसे ई रिक्शा और तमाम गाड़ियों को उन मार्गों से गुजरने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश के अंदर में इतने बड़े भव्य आयोजन से कितनी अर्थव्यवस्था में सुधार आती है प्रदेश की, साथ ही उत्तर प्रदेश में कितने रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं। वृंदावन योजना में डिफेंस एक्सपो स्थल पर होने वाली समिट में प्रदेश के स्टार्टअप्स की ताकत भी दिखाई देगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर प्रदेश सरकार के 40 विभाग अपने स्टॉल लगाएंगे और इनमें यूपी में स्टार्टअप्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं उसको दिखाया जाएगा। इसके साथ ही यूपी के सैकड़ों स्टार्टअप भी अपने स्टॉल लगाएंगे। वहीं निजी कंपनियों के
170 से ज्यादा स्टॉल एग्जीबिशन एरिया में लगाए जा रहे हैं। पीएम मोदी करेंगे शुरुआत, राष्ट्रपति करेंगी समापन। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, जबकि 12 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका समापन करेंगी। उद्घाटन के बाद अलग अलग विषयों पर कई सत्र आयोजित होंगे, जिनमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव, किशन रेड्डी, राजकुमार सिंह, पशुपति कुमार पारस शामिल होंगे और देर शाम को NRI अवार्ड्स का वितरण किया जाएगा। 10 देश लेंगे समिट में हिस्सा। इस इन्वेस्टर समिट में 10 देशों के मंत्री और राजदूत भी शामिल हो रहे हैं। इन देशों में UK, जापान, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड, सिंगापुर, मॉरिशस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, UAE, इटली समेत कई कंट्री पार्टनर हैं। हर पार्टनर कंट्री के साथ एक सेशन का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना, जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब के निवेशक भी आएंगे। कई बड़े उद्योगपति समिट में आएंगे। यूपी को पहचान दिलाने वाले इस खास कार्यक्रम में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी, आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला, टाटा सन्स के चेयरमैन N. चंद्रशेखरन, ज्यूरिख एयरपोर्ट एशिया के CEO डैनियल बिर्चर भी शामिल हो रहे हैं। समिट में 29 सत्रों का किया जाएगा आयोजन। अलग अलग देशों के मेहमानों के साथ इस समिट में अलग अलग क्षेत्रों में निवेश के लिए 29 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। बता दें कि पहले दिन 7 समिट के, दूसरे दिन 12 और तीसरे दिन 10 सत्रों का आयोजन होगा। जानकारी के मुताबिक ज्यादातर सत्रों में केंद्रीय मंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। राजधानी लखनऊ में आज शाम से निवेशकों का बाजार जो है वो लगना शुरू हो जाएगा और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। 10:30 बजे वो इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे और 3 दिन तक चलने वाले इस इन्वेस्टर समिट में देश और विदेशों से कई मेहमान सम्मिलित होंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वो मेहमान लखनऊ की प्राचीन धरोहर देखने के साथ साथ जो लखनऊ के बड़े पार्क हैं, चाहे वो भीमराव अम्बेडकर पार्क हो, लोहिया पार्क हो या फिर जनेश्वर मिश्र पार्क हो, यहाँ भी उनके जाने की, उनके घूमने की बात पता चल रही है। इस समय हम जनेश्वर मिश्र चौराहे पर खड़े हैं और लखनऊ नगर निगम और LDA ने इन पार्कों को बेहतरीन तरीके से सुव्यवस्थित किया है विदेशी मेहमानों के लिए, जो देश विदेश से मेहमान आ रहा है इस इन्वेस्टर समिट के लिए। हम आपको दिखा दें कि यह जनेश्वर मिश्र पार्क है जहां पे तमाम तरह की चीज़ें हैं घूमने के लिए। काफ़ी बड़ा पार्क है ये, यहां पे विदेशी मेहमान, घरेलू जो विदेशी मेहमान के अलावा जो घरेलू इन्वेस्टर्स हैं वो आके यहाँ पे घूमेंगे और इसका लुत्फ उठाएंगे। कैमरामैन नीरज के साथ मैं विवेक साई, Prime TV लखनऊ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस।